प्रदेश का सबसे अच्छा इंसान मुख्तार अंसारी, बिहार का सबसे अच्छा इंसान शहाबुद्दीन, महाराष्ट्र का सबसे अच्छा इंसान दाऊद इब्राहिम, आंध्र प्रदेश का सबसे अच्छा इंसान अकबरुद्दीन अवैसी, जम्मू कश्मीर का सबसे अच्छा इंसान यासिन मलिक, देश का सबसे बड़ा दुश्मन योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और RSS वाले, देश का सबसे बड़ा हितैषी मुसलमानों के हित की बात करने वाले लोग, देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार शाहरुख सलमान आमिर खान। अब सोचने वाली बात है, हम हिंदू कहाँ हैं और हमारा वजूद कहाँ है, और भाईचारे की चादर ओढ़े हमारा जमीर कहाँ है। हिंदू अगर आज नहीं संभले तो अंजाम दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। हम हिंदुओं को अच्छे से पता है, झुमका बरेली का अच्छा होता है, अमरूद इलाहाबाद का सबसे ज्यादा मीठा होता है, सेब कश्मीर के सबसे अच्छे होते, चूड़ी फिरोजाबाद की गजब की होती, सलवार पटियाला का शानदार होता है, नारियल केरल का अच्छा होता है, सुरमा भोपाल का सबसे बेहतर होता है, बनारस का पान लाजवाब होता है। पर किसी हिंदू को नहीं पता है पिस्टल कहाँ की मारक होती है, बंदूकें कहाँ की घातक होती है, बारूद कहाँ बनाया जाता है, खंजर कहाँ छुपाया जाता है, आतंकवादी किस धर्म के लोग होते हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कौन और क्यों करना चाहते हैं। यही वजह है जिसे पूरा संसार मार रहा है वो आज हमें मार रहा है। तरस आता है उन औलादों पर जिन्हें कल किसी नए बाबर और औरंगजेब की गुलामी करनी है। आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों से राजनीति के कुछ कड़वे प्रश्न हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, हिंदुओं को गाली देना, और सहिष्णुता क्या है, हिंदू हित की बात करना। पिछड़ा कौन है, लालू मुलायम और मायावती का परिवार। समाजवाद क्या है, मुलायम अखिलेश की सोच। एकमात्र दलित महिला कौन है, मायावती। बेगुनाह कौन है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। सबसे ज्यादा गुनाहगार कौन है, हिंदू, RSS और बजरंग दल वाले। त्याग की मूर्ति कौन है, मैडम सोनिया गांधी। किसके बगैर देश का निर्माण असंभव है, गांधी परिवार। एकमात्र उम्मीद की किरण, पप्पू राहुल गांधी। धर्म निरपेक्ष राज्य कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल। अनैतिक राज्य कौन से हैं, गुजरात और भाजपा शासित प्रदेश। राष्ट्रीय बहू कौन है, मैडम सोनिया गांधी। राष्ट्रीय अब्बा कौन है, गुलाम नबी आजाद। सबसे ईमानदार इंसान कौन है, केजरीवाल। सादगी की प्रकाष्ठता, ममता बनर्जी। सांप्रदायिक क्या है, आरती और पूजा करना। अहिंसा क्या है, बकरीद। धर्म की सुंदरता क्या है, नमाज के समय में रोड जाम कर देना। राष्ट्रीय अतिथि कौन है, पाकिस्तान, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। बुद्धिजीवी कौन है जो देश को गाली देने की वकालत करता है, एकमात्र छात्र कन्हैया कुमार। गुमराह और बेगुनाह, कश्मीरी पत्थरबाज। सबसे खूबसूरत धर्म इस्लाम, आतंकवादियों का धर्म क्या है, हिंदू। इस्लाम की खूबसूरती क्या है, कश्मीरियत और पत्थरबाज। राष्ट्रीय समस्या क्या है, टमाटर प्याज और RSS। सबसे गरीब, भाजपा और माकपा वाले। एकमात्र प्रदूषण फैलाने वाला त्यौहार दिवाली। एकमात्र पानी बचाने वाला त्यौहार होली। देश का दुश्मन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्य। सच्चा देशभक्त अवैसी, कन्हैया कुमार, ममता बनर्जी, इमाम बुखारी और मुसलमान हित की बात करने वाले लोग। किसे नागरिकता मिलनी चाहिए, रोहिंग्या मुसलमान और पाकिस्तानियों को। देश से किसे निकालना चाहिए, हिंदू और कश्मीरी पंडितों को। राष्ट्रीय मकसद, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। राष्ट्रीय त्यौहार ईद और बकरीद। अब सोचो हिंदू भाइयों, हम कहाँ हैं, हमारा हिंदुस्तान कहाँ है। हम हिंदू एक बात भूल चुके हैं और इसीलिए आज हमारे साथ ये समस्या खड़ी हुई है, धर्मो रक्षति रक्षितम। और जिस दिन हमें ये याद आ जाएगा उस दिन हिंदुस्तान भी बचेगा, हिंदू भी बचेगा। और अब कुछ हिंदू इस बात को शेयर करने में भी मर जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।